कर्नाटक चुनाव में लगातार बजरंग दल को लेकर के विवाद चल रहे हैं। कांग्रेस ने पहले अपने मैनिफेस्टो में कहा कि वो बजरंग दल को बैन कर देगा, उसके बाद विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि बजरंग बली और बजरंग दल दो अलग अलग चीजें हैं और इनमें मिलाव नहीं होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जो बजरंग बली जी का जन्मस्थान है और वहां मंगलवार के दिन बजरंग दल के नाम से चलने वाले विश्व हिंदू परिषद के युवा शाखा यानी संगठन का उन्होंने विरोध करते हुए पीएफआई से तुलना करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा केवल इसलिए की क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे तो मुस्लिम वोटों का उनको लाभ हो जाएगा। ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का हिंदुस्तान से अंत हो चुका है। कर्नाटक में तो अब कांग्रेस का ही अंत होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कमल खिलने जा रहा है। और बजरंग बली जी को जब रावण नहीं बांध पाया तो कांग्रेस क्या बांध पाएगी। कांग्रेस वही कांग्रेस है जो भगवान राम के अस्तित्व को भी नकारने का काम करती थी। आज वह बजरंग दल के नाम से चलने वाले संगठन को प्रतिबंधित करने की बात करके अपने अंत का रास्ता स्वयं चुना। इसके साथ ही जो केरल द केरल स्टोरी मूवी है वो लगातार चर्चा में बनी हुई है। अभी कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में ये बात कही कि इस मूवी को देखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें आतंकवाद का जो असली चेहरा है वो दिखाया गया है और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैं जानता हूं केरल के हमारे कितने स्वयंसेवकों का बलिदान हुआ है, कितने लोगों के हाथ पांव कुछ कोई ना कोई अंग भंग करने का पाप किया गया है, कितनी बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। ये तमाम प्रकार की घटनाएं हम लोग तो पहले भी सुनते रहे हैं। द केरल स्टोरी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा है वो निश्चित तौर से आपसे भी मैं कहूंगा और सबसे आपके माध्यम से एनआई के माध्यम से मैं अपील भी करूंगा कि उसे जरूर देखें। और जैसे द कश्मीर फाइल्स की एक पीछे आई थी फिल्म, उसका भी ये लोग विरोध कर रहे थे। और जब इस देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी दल विरोध इस स्तर पर करने लगे कि ये खराब है तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ अच्छा काम हो रहा है। इसके साथ ही सर एक आखिरी सवाल रहेगा, धर्मांतरण के मामले को लेकर के लगातार चीजें गरमाई भी हैं, 34 करोड़ की फंडिंग का भी एक जिक्र सामने आ रहा है, क्या कुछ पूरा प्रकरण है? देखिए, अभी तो वह पुलिस जांच के दायरे में है और जो भी प्रलोभन देकर के लालच देकर के धर्मांतरण के कुकृत्य करेंगे उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने की व्यवस्था है, वो कार्रवाई हो रही है। सर्वोच्च अदालत के सामने भी मामला है और जहाँ तक प्रयागराज में जो सियार्ट्स है वह निश्चित तौर से एक धर्मांतरण का केंद्र बन गया था, शिक्षा का केंद्र कम धर्मांतरण का केंद्र अधिक हो गया था। इनके गलत प्रकार से धर्मांतरण के जो कार्य थे उनका विरोध करते हुए उनके खिलाफ आंदोलन करते हुए मैं भी जेल गया हूं, इसलिए उनके कारनामे मैं जानता हूं। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।